है कि वेस्ट इंडीज वालों बाप बाप ही होता है, ऐसे नहीं होता जैसे आप खेल रहे हो। कल आपने देखा बॉलिंग में शार्दुल ठाकुर, उसने 4 विकेट लिए हैं जो कि उनकी बॉलिंग अटैक के लिए बहुत अच्छी बात है। और ईशान किशन भी काफ़ी डेंजरस प्लेयर है, हालांकि उसको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलते, डबल सेंचुरी के बाद उसको अगला मैच नहीं खिलाया। इससे पता चलता है कि उनकी टीम में इतना टैलेंट। हमें डर लग रहा है पाकिस्तान वालों को कि यार शुभमन गिल एक तूफान की तरह उठ रहा है, ठीक है। तो देखते थे पहले यार बाबर आजम ऐसे है, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि बाबर आजम उसके आगे कुछ भी नहीं है। अब जिस तरह रोहित शर्मा को भी बिठा दिया, विराट कोहली को भी, लेकिन पांड्या कैप्टन था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। दूसरा बी टीम का मैच हुआ तो वो इंडिया हार गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम तीसरा भी हारेंगे। उन्होंने ना तो कोहली को वापस लेके ना रोहित शर्मा को वापस लेके उन्होंने बी टीम पे इतबार किया और उसको दोबारा खेलने भेजा और वो जीत गया। अब शुभमन गिल 85 स्कोर किया, मैन ऑफ द मैच बना, पहले परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा था लेकिन अब कर रहा है। मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में ये एक खतरा साबित हो सकता है बाकी टीम के बॉलर्स के। सर मैच देख रहे हैं आपने, इंडिया और वेस्ट इंडीज का फाइनल आज जो हुआ है। हाँ बिल्कुल देखा यार, पांड्या की बैटिंग आज देखने वाली थी, ईशान किशन यार माइंड ब्लोइंग, उसके अलावा वो सुमान गिल जिसने टेस्ट सीरीज में 200 स्कोर किया और अपने आप ओडीआई में भी किया, ओडीआई में भी किया, सेंचुरीज की यार, ये बैक टू बैक जो इनकी परफॉर्मेंस आ रही है ना, ये कुछ ना कुछ करेंगे। यकीन करो मैं अभी अभी ये फाइनल देख के बाहर निकलाऊँ घर से, अभी अभी मैं यहाँ पर मार्केट में आया हूँ, तो क्या इंडिया ने खेला है, क्या मजा आया यार, क्या क्लास है यार उनकी टीम में। बिलीव करें उनके ये जूनियर टीम थी, सीनियर टीम भी नहीं थी जो इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खिलाई है। और बिलीव करें ये जो इंडिया की जो टीम है, इन्होंने बाकायदा इनको मेरे हिसाब से चांस दिया है वेस्ट इंडीज़ के, यार तुम लोग हमसे ये सीरीज जीत जाओ, लेकिन वो वेस्ट इंडीज की मैं कहता हूँ बदकिस्मती है, इतने सीनियर प्लेयर खिला के भी वो इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाए, क्या स्कोर किया, किसी काम का स्कोर नहीं किया। बिलीव करो मजा आ गया, दिल जीत लिया इंडिया की बी टीम ने यार, ए टीम ही मानी है थी, ये बी टीम कहाँ से निकाल ली है, ये बैट पे बैट निकाली जा रहे हैं, इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग बैट लाइन है यार, मैं सोच के परेशान हो गया यार। इंडिया ने सारे एनिवर्सरी कल रात को बहुत जुल्म किया है वहाँ पे इंडिया ने, इस तरह कोई करता है किसी के घर जाके पहले मेहमान नवाजी की पिछले मैच में और हार के बड़े आराम सुकून से, क्या जी हम हार जाते हैं 6 विकेटों से, और कल तो इन्होंने हर प्लेयर वेस्ट इंडीज़ को भी जो है ना आदत पड़ गई थी शेह ऑफ साहब को कि बैटिंग कराओ, इन्हें उसका ख्याल था हर रोज़ ये 100 पे आउट हो जाएंगे, तो पहले तो 143 रन की पार्टनरशिप, किशन ने इनकी मुरली बजाई और गिल ने इनकी पिंगो बजाई 143। या रात को गिल के पास, ईशन के पास, संजू के पास बेहतरीन मौका था कि बड़ा 100 कर लें, और स्काई के पास बेहतरीन मौका था बड़ा 50 करता। हार्दिक पांड्या ने अपनी ऑर्डिनरी इनिंग्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में तब्दील किया, जितने मुंह खुल गए थे उनको, ना सिर्फ मुकेश के ऊपर बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये किसकी पर्ची है, तो देख लें उनतखंड आपको नज़र आ गया कि ये बीसीसीआई जय शाह साहब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेड़ा गरक कर रहे हैं, तबाही और बर्बादी कर रहे हैं, अल्लाह पाक ही रहम करे। हुआ खख्ताम और भारतीय यंग टीम ने एक तारीखी जीत लिया। मैं तारीखी क्यों बोल रहा हूँ, क्या वेस्ट इंडीज की टीम बहुत अच्छी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। वजह यह थी कि इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज में चौ मार गया था, जब वेस्ट इंडीज ने सेकंड ओडीआई जीता, और उसके बाद बात चल रही थी कि क्या इंडिया अपने दोबारा से मेन खिलाड़ी रोहित ठाकुर टीम में लाएगा घबरा के, क्योंकि यह हुआ पाकिस्तान में भी हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज में जब मौका मिला था, ये एक्सेस को तो शादाब खान आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हो गया तुम्हें एहसास कि बाबर रिजवान को बाहर बिठा के आ गए अकल ठिकाने, और उसके बाद हमने देखा कि ऐसा लगता है कोई बात भी नहीं करता कि यंगस्टर्स को मौका देना है। लेकिन भारत में भी यही हुआ, इंडियन मीडिया में भी यही हुआ, जब सेकंड ओडीआई भारतीय टीम हारी तो एकदम से बातें चलना शुरू हो गई, एकदम से चीखो पुकार शुरू हो गया कि इंडिया टीम हार गई है वेस्ट इंडीज से, ये मानते हुए भी कि बड़े लड़के बड़े नाम अभी सीरीज में आराम कर रहे थे, और उसके बाद बातें आना शुरू हो गई कि तीसरे ओडीआई में सब कम बैक यकीनन करेंगे, लेकिन विराट रोहित और टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने यंगस्टर्स को बैक किया, उन्होंने यंगस्टर्स पर भरोसा दिखाया, उन्होंने यंगस्टर्स पर ट्रस्ट किया, और फिर यंगस्टर्स ने कमाल करके दिखा दिया, भारतीय टीम को 200 रन की जीत, वो इंडियन टीम जो 114 चेस करते हुए घबरा रही थी, भाईजान आज कमाल 351 रन की कमाल जीत ली है। मैच में आए कह रहे हैं पाकिस्तान शाहीन के लिए कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल पाकिस्तान शाहीन ने जो स्किल की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए, प्लेयर्स कैलिबर की बात की जाए, तो ऑब्वियसली देयर वाज नो कंपैरिजन। इसीलिए हमने ये ओडीआई सीरीज से पहले बोला था कि तीनों मैच जो है इंडिया को आराम सुकून से जीतने चाहिए विदाउट एनी ड्रामा। पहले वाले मैच में भी थोड़ा सा ड्रामा हुआ, इस वाले मैच में आपने देख लिया बिल्कुल पूरा जो है ड्रामे का ड्रामा कर दिया, 200 रन से जीते, और ना वेस्ट इंडीज की बॉलिंग ना बैटिंग, तो टीम इंडिया के मुकाबले में दे वर क्लूलेस। और आज आपको ने देखा कि काफी लोग पिछले मैच में हारने के बाद घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा, हमारा एशिया कप भी खत्म है, हमारा वर्ल्ड कप भी खत्म है। तब मैंने आपसे अर्ज किया था आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये पहली बात तो ये है कि ये आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है,
पांच छह बंदे आपके नहीं है, वो आएंगे तो आपकी टीम और भी बैलेंस नजर आएगी। तो वो तो फिर करते कराते गिरते गिराते जो है यहां तक काम पहुंच गया। इस पे कहने का कुछ है ही नहीं है। जो दोस्त घबराए हुए थे कि इनकी बॉलिंग नहीं है, खत्म है, टाटा बाय बाय, 350 रन देख के ही वैसे बड़े बड़ों के छक्के छूट जाते हैं। फिर मुकेश ने इनकी कमर ही तोड़ दी, पहले तीनों विकेटें वो ले गया, फिर रही सही कसर जो है वो ठाकुर ने और कुलदीप ने, बड़ा ड्रामा हुआ है। 150 पे ही आउट हो गए थे, वो अंपायर ने आउट दिया LBW, वो कैच हुआ है, थर्ड अंपायर ने ओवर रूल किया। अब ये भी पता नहीं कितना अरसा ड्रामा चलेगा। 88 पे 8 आउट थे, 88 पे, फिर 55 रन की पार्टनरशिप लगती है जोसेफ और मोटे की, मोटी साहब 39 36, ऊपर से तांजे और 26 जोसेफ। ये है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंडिया को ये तीनों मैच बड़े सुकून से जीतने चाहिए थे। दूसरा हार के तो बहुत ज्यादा फैंस गुस्से में थे, अब कुछ वापस आसमान के साथ लग गए हैं। इसको ले आए, उसको ले आए, देखें बहुत अच्छा खेले आप, कंप्रीहेंसिव और ऐसी ही विक्ट्री होनी चाहिए थी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वेस्ट इंडीज टीम अंडर 19 जो इंडियन टीम है, या जो उधर गई थी रिजवान साहब इमर्जिंग एशिया कप खेलने, ये उसको भी नहीं हरा सकती, जो बात है साफ सी। और जो आप देखें, जो आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो आप कट्टा कट्टी निकालना चाह रहे हैं, अब आप जेहन में रखें कि आप अपने दोनों पिलर्स को डायरेक्ट पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में उतारेंगे अगर आपने फैसला किया खिलाने का, वरना वर्ल्ड कप में डायरेक्ट उतार लेना कोई मसला नहीं है। डेट्स तो वैसे भी चेंज हो गई है, नीदरलैंड वाली भी, श्रीलंका वाली भी और इंडिया पाकिस्तान वाली भी। कंप्रीहेंसिव परफॉर्मेंस है, नथिंग टू डिस्कस, यही होना चाहिए था। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 200 रन की इबरतनाक शिकस्त है वेस्ट इंडीज, और ये है उनकी क्रिकेट। लेकिन लम्हे फिक्रिया ये है रिजवान साहब के, इतने सारे तजर्बात जो टीम इंडिया कर रही है, दे कैन और दे कांट अफोर्ड अगेंस्ट टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, बट व्हेन इट कम्स टू बिग बॉयज फिर मुसीबत पड़ेगी। अभी तो दोस्त ठीक है, खुश है, खुश होना भी चाहिए। इतनी कमांडिंग अगर विक्ट्री आएगी तो नोबडी कैन डेयर टू क्वेश्चन के भाई ये क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है। मुकेश के बारे में बहुत सारे, मैं भी कहता हूं, जब एक बंदा मेन टीम में खेल रहा है तो उसका एशियन गेम में उसका मेरा नहीं ख्याल है कोई काम है, उसको खराब करने वाली बात है। जब आप टॉप लेवल पे खेल रहे हैं, बाकी यही हर्षदीप वगैरह भी वहीं जाएंगे, बिश्नोई तो फलाना, और आयरलैंड की सीरीज जो होगी तो होगी, अब परसों से एक दिन का गैप है, फिर T20 है। आपको पता है इंडिया जीत गया।